ताजनगरी आगरा के बीकानेर रेस्टोरेंट में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां खाना खाते समय युवतियों के प्लेट से कॉकरोच निकला। मामला थाना न्यू आगरा के भगवान टॉकीज का है, जहां बीकानेर का रेस्टोरेंट है। वहां पर दो युवतियों ने खाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसके बाद टेबल पर बिल के साथ खाना आया। युवतियों ने जब प्लेट में कॉकरोच रंगते देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। इसके अलावा खाद्य विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। इस दौरान शिकायतकर्ता आरती यादव ने बताया कि वह अच्छा रेस्टोरेंट समझकर खाने के लिए आई थी, लेकिन यह गंदगी का आलम है और जब उन्होंने वीडियो लेना चाहा तो स्टाफ मेंबर्स प्लेट उठा ले गए। हालांकि कुछ फोटो लिए गए हैं। इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी गई है। मैं बीकानेर में बैठी हुई हूँ। यहाँ पे मैं चिली पटेटो और मैंने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया था। इसमें चिली पटेटो में कॉकरोच निकला है। जब हमने इनके मैनेजर को दिखाया तो वो बोले कि अरे गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो इसका मतलब इनकी किचन में कितनी गंदगी रहती होगी और पब्लिक के साथ ये क्या, इनकी पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ इतनी नाइंसाफी है। यहाँ पे इतना टैक्स तो इतना वसूल करते हैं, रुपये भी इतना वसूल करते हैं और उसके बाद भी यहाँ पे खाना ऐसा दिया जाता है। इसके साथ तो इसे सील करवा देना चाहिए, बंद करवाना चाहिए, मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। इस पर मुझे खाने के बाद काफ़ी उल्टियाँ भी हुई हैं और ये लोग जबरदस्ती उसे उठा के ले गए। हमने दो बाल मंगाए थे, एक बाल उठा के ले गए जिसका फोटो हम ले चुके हैं और वीडियो भी ले चुके हैं। क्या फिर पब्लिक को कुछ हो जाए अभी यहाँ से जाने के बाद, अगर यहाँ पे कुछ होता है, बीमार पड़ जाते तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बीकानेर पे मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। इसको इन्हें आगे से इस बात के लिए इन्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर उनके किचन में कॉकरोच नहीं है तो उस खाने में आए कहाँ? इस वक्त तो मैं मौजूद नहीं था, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि जो तस्वीरें दिखा रहा है शिकायत करता है, देखता हूँ एक बार चेक करके देखता हूँ, मैं फाइंड आउट करता हूँ कि कहाँ क्या कमी है। अगर ऐसा पाया गया तो क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? सुटेबल हो वो मैं देखता हूँ। कस्टमर का कहना है कि पैसे पूरे देते हैं, इस तरीके की लापरवाही नहीं है। सब कुछ भी हम कभी केयरलेस नहीं रहते इस मामले में, जरूर मतलब जी एक इंस्पेक्शन में मतलब दिया गया कि जो विदाउट साइंस मतलब मेकिंग हो रही है बना रहा है, जबकि ये तो एफ डी आई के अकॉर्डिंग वर्किंग होना चाहिए। हमारे पास सकते हैं किसी भी काउंटर पर आप अगर देखेंगे तो हमारे पास सारी जगह हैंड ग्लव्स। उन्होंने यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिया होगा, ऑर्डर यहाँ पे चूंकि खुद ही रिसीव किया जाता है। जब इन्होंने ये कंप्लेंट की है कि खाने के दौरान इन्होंने देखा कि उसमें खा कर, इन्होंने काउंटर पर कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद में यहाँ वेटर आया और उसने इनसे कहा कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा देते हैं, ये इनका वक्तव्य शिकायत करता है। लेकिन मौके पर कोई ऐसा हमको मिला नहीं है फूड कंप्लेंट पर। हमारे एफ एस ओ आए, उसके बाद जब उन्होंने हमको सूचित किया तो मैं स्वयं आया हूँ और डी ओ मेरे साथ में, लेकिन ऐसा कोई मटेरियल मौके पर तो नहीं मिला जिसमें कॉकरोच वगैरह हो। अंदर जाकर हमने पूरा उसका निरीक्षण किया है और ये बात सही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा, खासतौर से साफ सफाई के बारे में। कुछ मिठाई हमने ऐसी पाई है जो लग रहा है कि ये उसको रिप्रोसेस कर रहा है और कुछ फूड प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसमें हमको वायलेशन ऑफ रेगुलेशन लग रहा है। तो जो बासी मिठाई लग रही है वो उसका नमूना भरा जाएगा, जहाँ पर वायलेशन ऑफ रेगुलेशन लग रहा है उसका नमूना भरा जाएगा। और मेरा शिकायतकर्ता से भी यही है कि अगर किसी कभी भी इस तरह की कंप्लेंट हो तो वो वहाँ से मटेरियल उस तरह का ना तो चेंज होने दें ना वहाँ से हटने दें, अपने पास रखें, क्योंकि बहुत बड़ा वो साक्ष्य होता है, उसी साक्ष्य के आधार पर हमारी आगे कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि यहाँ के स्टाफ ने जबरन उसको, वही मैं कह रहा हूँ, जब तक हमको मिलेगा नहीं हमारा जो है प्रॉपर साक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है साक्ष्य के आधार पर ही न्यायालय में अपना बात रखते हैं और उसमें अपना पक्ष भी रखते हैं। उसमें एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है, ये हमारा कहलाता है शेड्यूल 4 के अंतर्गत हाइजेनिक और इसका सैनिटरी कंडीशंस मेंटेन करने के लिए। उसमें ये प्रावधान है कि अगर जो हम टाइम पीरियड देंगे उन्होंने उसमें नहीं किया तो उसके बाद में हमारा हम एक इंस्पेक्शन कराएंगे अपने एफ एस ओ से, और एफ एस ओ अगर हमारे डी ओ साहबान को अपना देते हैं कि इन्होंने इस तरह से कोई भी कंप्लेंस नहीं किया है जो उनका ऑर्डर है, तो डीओ चाहे तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर एक टाइम देंगे, तब तक वो बंद रहेगा। और जब अगर उस पीरियड में भी उन्होंने उसका कंप्लेंस नहीं किया तो लाइसेंस उसका निरस्त कर दिया जाता है, फिर वो उसमें अपना फूड बिजनेस नहीं कर सकता।